चैनल इंडिया क्राइम न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। अज बटाला विखे शिवसेना बाल ठाकरे वालों सो पूर्व DGP मुहम्मद मुस्तफा का पुतला जला के जबरदस्त रोस प्रदर्शन किया गया। सो गलबात दौरान शिवसेना बाल ठाकरे के प्रधान संजीव कुमार चीनी और रमेश नैयर जी ने दसिया कि यहोजे हिंदुआ नाल नफरत करन अते देश दे विच भड़काऊ बयानबाजी करने वाले मुस्तफा ते तुरंत परचा दर्ज होना चाहिए और दसिया कि कल आपां SSP बटाला नूं भी है जो दरखास्त देवांगे इस संबंधी और जे सानूं मलेरकोटले जाके घराओ करना पिया उसने कर दो वो भी करांगे। और की कुछ कहा उन्होंने आओ सुनदे उन्होंने जबानी और दिखाने तुहानूं उत्थों दीआं लाइव तस्वीरां देखदे रहो चैनल इंडिया क्राइम न्यूज़। पत्रकार जतेंद्र सोटी ते सुखनाम सिंह दी बटाला तों खास रिपोर्ट मिलदे हां अगली खबर दे नाल। अपना नाम बैठ के दे जी। सब तो पहला जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह जी जय श्री राम जय श्री राम। मैं जी संजीव कुमार चीनी प्रधान शिवसेना बाल ठाकरे जी। कल परसों तो एक जी मुहम्मद मुस्तफा जी उन्हें एक बयान दिता जी हिंदुआ के बरखिलाफ। वो कहना कि मैं हिंदुआ घरों बाहर नहीं निकल लवाँगा। मैं उन्होंने खुद चैलेंज करना जी अपनी माँ का दुध पीता ही जो तू कहना मैं मुसलमान का बच्चा वा तो हिंदुआ ही सारे हिंदू सुख कट्ठे खलोते हैं जे तू अपनी माँ का दुध पीता ही जे कहना तू कि उन्हें घरों बाहर निकलना अं तेन घरों बाहर नहीं निकल देवे। ये गलत बयानबाजी असं कभी बर्दाश्त नहीं करा। मैं हर एक सिख हिंदू भीर हाथ जोड़ के बेनती करना कि कांग्रेस सरकार कोई वोट ना पावे क्योंकि यो कांग्रेस सरकार है जेडे साडे हिंदू सिख भाईचारे दलाल पैदा करनी चाहती है। मैं फिर तुहाडे चैनल एक बार उन्होंने फिर चैलेंज करना कि जे तू अपनी माँ का दुध पीता जे अपने आप मुसलमान का बच्चा कहना है तो तू हिंदू का टक्कर लैके वेखी भाजी जय श्री राम वाहेगुरु जी का खालसा। जो अज का पुतला साड़ा गया ये एक गंदा बंदा मुहम्मद मुस्तफा जो पंजाब का साबका DGP आ उसके विरोध में कल उन्हें एक परसों दो तीन दिन पहले स्टेटमेंट दी आ कि हिंदुओं को वो घर घुस के मारांगे जिहड़ा बंदा साडे खिलाफ साडे बराबर स्टेज लाएगा। वो तू सालिया तू लगा की है मैं तुहाडे चैनल ये पुछे सारे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस गल कहें तू है की चीज़ है साडे हिंदुस्तान का खादा है साडे हिंदुस्तान का गद्दारी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाऊ। तो एक दो वड्डी जी एक गंदी जमात कांग्रेस जिन्हें इनू पालिया इस अत्तवाद के टाइम के उपर इस बंदे ने हिंदुआ तो सिखा का वो कान किया जरा ले रब का ना इस बंदे ने बेनिर्दोषे लोग सिखा का कतल किया हिंदुओं झूठे मुकदमे जेल भेजा तो अज ये मुसलमान अपने साबित कर रहा बड़ी जड़ी है यहोजे बंदे कुछ ही हरकत आ जरा एड्डी वीडी पोस्ट रह चुका तो उतों की जी कांग्रेस सरकार निकम्मी सरकार जी कांग्रेस पार्टी जी जिन्हें रखिया इन्हें अज तक चार दिन हो गए तो ये खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। अभी थोड़े चैनल आ मैं अपील करता पंजाब के हिंदुओं के सिखों कि नो वोट फॉर कांग्रेस जिनी देर बंदा रिंदा बच्चे पार्टी के कांग्रेस में उदो उन्नी देर नो वोट फॉर कांग्रेस क्योंकि तो जी कांग्रेस है कांग्रेस ने यह सब पाले जोड़े कहे कि मत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आप अज जरा एक पुतला साड़िया कल आप 12 बजे SSP साहब बटाला के कोल ये खिलाफ़ 295 यदा मुकदमा दर्ज कराने लिए जावे क्योंकि पंजाब का हालात खराब करना चाहता वा जोड़ा किसी कीमत बर्दाश्त नहीं क्योंकि हिंदुआ सिखा का तो मुसलमाना का ना हाडा हिंदू सिख जड़े ये पंजाब की जान ने खून मा नौ मास का रिश्ता खून इको ही साड़ा तो ये जरा अपने मुहम्मद मुस्तफा वर्गे बंदे जड़े आ पंजाब के अग लानी चाहते कांग्रेस के इशारे के हाईकमांड के इशारे के जोड़ा बर्दाश्त तो बहर आप खिलाफ़ 295 ये मुकदमा दर्ज करावे भावें दूजे बने यू जो सूँ लड़ पी तो इन मलेरकोटले जाकर भी यदा जुत्तियों का स्वागत करा सूँ इन भावें जाके यदि मंजी ना ठोकनी पवे ये बिल्कुल तुहाडे चैनल राही अं प्रोग्राम बना रहे हैं जी इनू आप उत्थे जाके ये घर के यदा खराब किया जाऊगा क्योंकि यदि जी जनानी आ रजिया सरताना मंत्री आ अज भी कैबिनेट में इनू बर्खास्त करना चाहिए। जय श्री राम जय इंडिया क्राइम न्यूज जुर्म के खिलाफ जंग आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज।